अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जननी एआई की कहानी। विराट मुझे देखना होगा। दरवाजा तो बंद है। हाँ नहीं, यही पर था। सामने से मारा। मैं यहाँ पर था। यहाँ पर ये तो बंद है। नहीं, दरवाजा खुला था। ये देखो, अंदर से बंद है ये। हो सकता है हीरा, हो सकता है वो अंदर आ गया हो हीरा। हाँ अंदर कहाँ, कुछ तो नहीं दिख रहा है विराट। अंदर विराट। हीरा मैं सच कह रहा हूँ हीरा, मैं वहां पर खाना खा रहा था और वहां पर एक बंदा गन लेके खड़ा था, गोली मारी मुझ में। और फिर गोली नहीं, डांट मारा। वो जो पीपी को मारा था ना, वैसा ही डांट मारा मुझे। मैं खाना खा रहा था और वो लगा और गिर गया। वो यहाँ पर है, यहाँ देखो, ये यहाँ पर, ये मेरे खाना गिरा और यहाँ डांट। कहाँ है डांट? कुछ भी तो नहीं है विराट, क्या कह रहे हो तुम? यहीं पर था, मैं खाना खा रहा था, डांट गिरा, मारा। कुछ नहीं है, चलो चलो। तो विराट कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो तुम, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें इनकी जरूरत है। चलो अंदर चलो। हीरा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। चलो आराम करते हैं, चलो चलो। डॉक्टर ने डैड को जस्ट अभी चेक किया, उन्होंने कहा कि डैड को होश आ गया। तुम डैड से मिले? अभी नहीं। आंटी मुझे लगता है कि ऋतिक को उसके डैड से पहले मिलना चाहिए, हम बाद में आ जाएंगे उनसे मिलने। चांदनी तुम हमारे घर के मैटर से थोड़ा दूर रहा करो, तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, सो प्लीज डोंट इंटरफियर। सानी सानी धनी धानी धा। आप सब यहाँ? डैड कैसे हैं आप? कल रात आप सब मुझसे मिलने आए हैं? मिलने ही आए होंगे। कल रात से याद आया। कौन हो तुम? सितारा सितारा
कहीं पीपी मेरा सच सबको ना बता दे। क्या डांस किया मैंने? हो वो परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस थी! ऑडियंस पागल हो गई थी। मेरी परफॉर्मेंस देखकर मेरे फैन हो गए ना आप? लोग पागल हो जाते हैं मेरे बारे में। क्या बताऊं, आपके सामने इतना बड़ा आर्टिस्ट खड़ा है, इतना कमाल का डांसर, और आप लोग उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं। अरे जोर से बजाइए ना। तुम नहीं बजाओगे? ये आखिर पीपी को क्या हो गया? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए। डॉक्टर मुझे लगता है डैड को जो चोट लगी उसकी वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा है। डैड बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं और मैंने डैड को कभी भी ऐसे नहीं देखा है। आइए डॉक्टर। डैड कहाँ गए? अभी 5 मिनट पहले तो यहीं थे। हाँ अभी तो यहीं था। सनी कहाँ गया? डैड, हो सकता है खिड़की से कूद के भाग गया, उसका कोई भरोसा नहीं, मैं चेक करता हूँ। यही? हाँ हो सकता है खिड़की खोल के भाग। चूहा! चूहा! वो हमको लगा कि पीछे चूहा था। छोटे बाबू, हमको माफ कर दीजिए छोटे बाबू, हमको माफ कर दीजिए छोटे बाबू। हम पोछा लगा रहे थे, हम वहां पोछा लगा रहे थे, हमें लगा कि वहां पर चूहा था, हमसे गलती हो गई। नहीं कोई बात नहीं, हमें नौकरी से मत निकालिए छोटे बाबू। अरे भाई नहीं निकाल, हमें मारिएगा मत, हमें मारिएगा मत। कोई नहीं मारे, कोई नहीं मारे, तुम लगे रहो। लगाओ। हाँ बाल्टी कहाँ गया? इधर इधर। मैं तो पहले ही कहती थी ये आदमी थोड़ा अजीब है। डार्ट लगने की वजह से नर्व डैमेज हुआ है, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ है। साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन? साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, बट डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे।
लगता है पीपी का दिमाग खराब हो गया। अरे भाई साहब, अभी 2 मिनट पहले मैं भी यही कह रही थी इनसे अंदर। मतलब जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। ऋतिक क्या बोल रहे थे डॉक्टर साहब? ऋतिक, डॉक्टर क्या कह रहे थे? इस बीमारी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? डॉक्टर ने डैड के लिए मेडिसिन तो दी, पर डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी ऐसी है जो धीरे धीरे अपने आप ठीक होती है। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 दिन, 1 महीना या 1 साल। फिक्र मत करो ऋतिक, हम तुम्हारे साथ हैं। करना था ये सब्जी तरकारी लेके जा रहा हूं मैं। खुश है ये क्या नई नौटंकी है? ये परमार क्या कर रहा है? इधर उधर क्या देख रहा है? अभी पता करता हूं। हेलो हेलो सर। पीपी सर, मैं पहले से ही जानता था ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ड्रामा है ड्रामा। अच्छा मुझे बताइए सच सच क्या चल रहा है? सही पकड़े हैं। बोलिए। यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। अच्छा ओके। बहुत बड़ा केस जो आया है के? और मैं उस केस की गुप्त जासूसी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? जासूसी। यहाँ पर एक मर्डर हुआ है और मुझे पता लगाना है कि खूनी कौन है। तुम तो नहीं? नहीं, मैं नहीं। तुम्हारे बालों को देखकर लग रहा है जैसे हो सकता है कि शायद तुम ही मर्डरर हो। नहीं सर, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। नहीं, ये हाथ खूनी के नहीं लग रहा है। ये पीपी की पीपड़ी बच गई है। इसके मजे लेता हूँ मैं। बहुत तंग किया इसने मुझे। किससे बात कर रहे हो? कोई नहीं सर, नथिंग, कुछ नहीं। अरे सुनो, एक काम करो, तुम ये सब्जियां लो और एक अच्छी वेजिटेरियन डिश बना कर लेके आओ। हाँ के? मैं क्यों? तो क्या मैं? अरे तुम पीपी, तुम एक बहुत वर्ल्ड फेमस जो है शेफ हो। क्या खाना बनाते हो? आ, 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 खाना बनाते हो, लोग उंगलियां चाट के खा जाते हैं। मैं शेफ हूँ या नहीं हूँ, दैट इज द क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। आई फाइंड द आंसर। काटना है। क्या काटना है? सब्जी को काटना है। अच्छा, अच्छे से काटना। और बताओ क्या बनाओगे? इटालियन रिसोटो। इटालियन रिसोटो खाओ, शेफ के गुण गाओ। बोलो पीपी शेफ की जय। पीपी शेफ की जय। Not bad, huh? ये पीपी मस्त खाना बनाता है। मैं इसकी याददाश्त कभी वापस ही नहीं आई। रोज एक नई डिश बनाऊंगा। चूहे चूहे बाहर आ जा बेटा। हेलो। अब ये परमार क्या कर रहा है? चूहे बाहर आ जा। नीचे जाके देख के आता हूँ।
चूहा मखनी बनाना है। अब ये पीपी कहाँ गया? यहीं तो था। परमार, परमार। अरे इतने सारे बलून, वो भी इतने रात को। आइडिया, एक बलून लेता हूँ, पीपी को देता हूँ, बोलता हूँ सर्कस का जोकर है, बड़ा मजा आएगा। अरे भैया सुनो ना, भैया एक बलून दे दो। हाँ ये वाला, ये बढ़िया है, ये वाला बलून मैं ले लेता हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। फिर से उठ के चला गया, कहाँ चले जाते? विराट, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी रात को बाहर क्यों निकली हो? आंटी वो मैं इतना बहुत घुटन सी हो रही थी तो सोचा बाहर जाके थोड़ी फ्रेश एयर ले लूं। चांदी विराट कहीं नहीं मिल रहा है, मैंने पूरा घर देख लिया, बाहर देख रही हूँ, कहीं नहीं है। ये मिला मुझे, विराट इसी में खाना खाता है। और ये देखो, ये देख के लग रहा है कोई किसी को यहाँ से खींच के लेके गया है। लग रहा है यहाँ पे तो बहुत बुरा हुआ होगा। चांदी तुम्हें पता है विराट के बारे में कुछ? प्लीज बताओ ना अगर पता है तो। वो मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना, बोलो। पीपी के सामने मैं जननी को सच नहीं बता सकती। वो मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत थकान लग रही है, मैं जाके सो जाती हूँ। अरे पीपी सर, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं बाहर? आपसे पूछ रही हूँ, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? आप मुझे देख सकती हैं? आप मेरे सामने खड़े हैं, नहीं देख पाऊंगी? क्या बात कर रहे हैं आप? How's this possible? मैंने अपना इनविजिबल केप पहना हुआ है, ये अदृश्य होने वाला चोला और ये अदृश्य होने वाली औषधि पी है मैंने, इसके बावजूद आप मुझे देख सकती हैं? दिखाइए, दिखाइए।
कफ सिरप है ये, खांसी की दवाई, कुछ भी। आप घर जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर जाइए। एक सेकंड, अब समझ में आया। इसकी वजह से नहीं हो रहा है। अब देख सकती हैं। क्या कर रहे हैं आप ये? घर जाइए। डैड। ऋतिक, इन्हें घर के अंदर लेकर जाओ, लगता है इनका दिमाग फिर से। तुम भी मुझे देख सकते हो? हाँ, मैं भी आपको देख सकता हूँ डैड। आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? लेकर जाओ। समझ में नहीं आ रहा कि पीपी सर सचमुच पागल हो गए हैं या पागल होने का नाटक कर रहे हैं। On the offside, on the left side, on the offside. Dad, आइए पानी पी लीजिए। अभी ड्रिंक्स ब्रेक नहीं हुआ है। कैच! Oh, good catch! याद रखो। ये सब क्या है, डैड? क्या है मतलब? अरे कल मेरा मैच है। विकेट कीपर हूँ मैं टीम का। विकेट कीपर कैप्टन। टीम को जिताना है, कैचेस पकड़ना है। क्या? प्रैक्टिस चाहिए मुझे? जी डैड। कहाँ फेंकोगे? बताना मत, बताना मत। टू गुड, मजेदार हुआ। एक और, एक और, एक और। एक और।